पैर छू, पैर का जबरदस्ती छूना, छू लेना, पिछली बार तो छुए थे, मांग के नहीं मैं करता। अच्छा चल। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अभी ये वाला जो टाइम है, मैंने आपको अपना ऑर्गेनिक जो हमारी हम खेती करते हैं उसका वीडियो दिखाया था आपको, लेकिन उसके बाद जो है जो क्रॉप्स थी उनको हार्वेस्ट करना एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। उसके बाद मुझे कुछ टाइम भी नहीं लगा एंड बस यूँ ही नहीं शेयर कर पाई, लेकिन अभी मुझे लगा क्योंकि जो सीजनल जो क्रॉप्स है अभी, जैसे रबी जो क्रॉप है, गेहूं जौ वगैरह जो होते हैं आजकल, वो भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो अभी मैं वो काटने जा रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ। एंड बहुत लेट हो गई, अब तो मम्मी ने भी बुला दिया, अभी तक तो मम्मी बुला भी नहीं रहे थे, और मैं मम्मी के लिए पानी ले जा रही हूँ। चलते हैं ज़रा, अभी डांट पड़ सकती है। मम्मी ने इतनी तो काट दी, और सारी ये हुई भी नहीं अभी, अभी ये हरी हरी है। क्या हो गया भाई जी? नमस्ते। क्या नहीं हुआ? पानी का तो बहुत घाटा पड़ गया। है? अच्छा। हाँ जी, आ जाएगा। नमस्ते। देखा इधर तो इनको हो जाती है हमारे से भी पहले खबर। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, अब बहुत गप्पे मार ली, अब ज़रा काम कर लेते हैं। एंड फर्स्टली फेस को और बालों को कवर कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें धूल होती है बहुत ज़्यादा, एंड धूप भी है अभी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इचिंग हो जाएगी एंड फालतू में बाल भी ड्राई हो जाएंगे, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं, बाकी फिर काम करते हैं शुरू। काफ़ी गप्पे हो गई, अब चुपचाप से काम कर लेते हैं जल्दी 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 जल्दी। आई मीन इतना जल्दी भी नहीं किया जितना जल्दी वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम। 10 मिनट भी नहीं हुए थे खेत में गए हुए कि मम्मी ने मुझे दौड़ा दिया फिर से। ये जो हरी हरी कनक है ये गाय को देनी है, और साथ में मेरे को मैंने दाल लगाई है उसको भी देख लेती हूँ। गाँव में खाना जल्दी बना देते हैं, और आज अमन भी आ रहा है, एंड शायद मेरी मासी की बेटी, मेरी कज़न और नानी जी भी आ रहे हैं, तो पहले मैं ये दे देती हूँ। किधर गई, किधर गई, इधर गई, इधर गई मेरी गाय। मेरे को गाय को देने को बोला था, लेकिन मैंने इन दोनों को भी दिया, मतलब जो बैल है इनको भी दिया, मैं पार्शलिटी नहीं करती यार। और पता है आजकल ना लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, मतलब पिछले एक महीने से लेके आग ही लगाए जा रहे हैं यार, लाइक सीरियसली, मतलब इतना गुस्सा आता है मुझे लोगों को देख के। और अभी भी वहाँ पे सामने पार आग लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो वहाँ पे धुआं दिख रहा होगा इधर इधर, ये पूरा जल रहा है अभी, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है तो उस वजह से पता नहीं चलेगा। बिल्कुल जो कटफॉल धार है, ये वाली जो धार है, हमारी उंगली नहीं लगाते वैसे, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ बिल्कुल साफ में आग लगी है। और ये एक बार नहीं, मतलब अभी तक आग जो है कम से कम 7-8 बार इसी एरिया में लगा दी है, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब डेली का हो गया यार लोगों का, पता नहीं क्यों इतना वो पाप कर रहे हैं।
पता नहीं, मतलब यार इतना कैसे मतलब बेवकूफ हो सकते हैं इंसान, ये फैक्ट जानते हुए भी फिर बारिश के लिए रोते रहेंगे, और ये फैक्ट जानते हुए भी कि आग लगाओगे तो फिर बारिश कैसे होगी जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, और इतना नुकसान नेचर का, और इतने पशु पक्षी। ओ माय गॉड, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा, इसमें जो पेड़ थे भी ना वो भी सारे जला के राख कर दिए हैं हर जगह। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग बेवकूफ डफर। तो फ्रेंड्स अभी अपनी सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। मैंने आपके साथ जो है जैविक खेती की, फार्मिंग की मैंने वीडियो शेयर की थी, लेकिन उसके बाद हार्वेस्टिंग की भी कोई भी वीडियो नहीं ला पाई। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कैमरामैन का अभाव था, अमन नहीं था फिर, और फिर उसके अलावा कोई हेल्प करने वाला नहीं है मेरा, और उस वजह से ये होता है कि काम करते टाइम ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम अब वीडियो बनाओगे कि काम करोगे, तो उस वजह से कोई भी नहीं आई। अभी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने 2 से 2.5 क्विंटल मिनिमम, आई थिंक 3 क्विंटल भी हो सकती है, इतनी हमने जो है कॉलीफ्लावर इससे हमारे निकली, जिसमें से काफ़ी जो बिकी, लेकिन हम किसी बहुत बड़े मार्केट में नहीं गए, लोकल ही गांव में हमारे बिक गई थी वो। ये हमारा लास्ट लॉट है फूलगोभी का, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब इसमें फूलगोभी होगी मतलब यूज़ करने लायक, क्योंकि ये बहुत मतलब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये लास्ट में मैंने निकाल के रखी थी, वैसे पापा तो मना कर रहे थे कि रहने दे अब ख़राब सी हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी ठीक बची है ये, तो मैंने निकाल दी। बाकी अभी बकरियां और भेड़े खा रही है, तो इनको करेंगे यूज़। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ना चने बीजे थे थोड़े से स्पेस में, आधे तो गेहूं के बीज खराब हो गए, थोड़े से बच गए थे। ये जो साथ में आपको गोभी के पौधे दिख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट वेस्ट है अब, क्योंकि ये या तो बहुत पीली पड़ चुकी है धूप की वजह से, पानी की कमी से, या फिर ये ओवर एज हो चुकी है, यूज़ करने लायक नहीं है, मतलब बहुत कम है यूज़ करने लायक। और ये भी होता है कि जब हमारे घर पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो कितना ही खा लेंगे यार उसको, तो फिर उस वजह से फिर से थोड़ी देर के लिए जा लेती हूँ। क्या क्या, हा, तब कौन लगाएगा? तू मैं नहीं छुआ, माँ तो छूना पड़ा। और ये मैं आधे से ही वापस हो गई, मम्मी ने बोला अब गाय को आ रही है इधर, बोलते कुछ और काम। कुछ और काम क्या है? गोबर फेंकना, सब कुछ करना पड़ता है गाइस। हाँ मैं बहुत टाइम तक मैंने नहीं किया, बीच में नहीं किया था, क्योंकि हम लोग स्कूल के लिए ही घर से चले गए थे। मैं सारे काम कर लेती हूँ घर के, वो अलग बात है कि मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा करवाते नहीं हैं। तो भैया बोलते, अभी भैया ने सुना जब कि मम्मी बोल रहे थे कि गोबर वो इकट्ठा कर ले फेंक ले, तो भैया बोलते कि मैं तो नहीं लगाता हाथ, बोलते वो मुझे पता है, मैं कुछ चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जब लॉकडाउन लगा था, जब मैं घर आई शिमला से, उस टाइम मैंने महीना भर शायद नहीं किया होगा, क्योंकि मम्मी करने नहीं देते थे, और आजकल के टाइम ही लगा था लॉकडाउन, और बहुत ज़्यादा ऐसे काम नहीं होता है। हाँ अभी मैं करती हूँ, अब तो डेली का हो गया, मैं डेली करती हूँ। एंड यार गांव में रहते हो तो फिर दिक्कत ही क्या है, सारे काम करने चाहिए, क्यों क्या बोलते हो आप लोग इस बात पे? तो अभी मैं ज़रा काम कर लेती हूँ, बाकी की गप्पे बाद में। स्कूल और कॉलेज से ऐसी आदत हुई है कि इस टाइम पे ना कुछ खाने कुछ ही होता है, तो ये लिए रखा था, तो सोचा ये भी खा लेती हूँ। एंड मेरी दाल भी शायद पक चुकी है, 2-3 सीटी आ चुकी है, थोड़ी देर में फिर मेरा भाई भी आ जाएगा, और शायद बहन भी आ जाएगी, और नानी जी भी शायद आ जाएंगे, होपफुली वो दोनों तो आ ही जाएंगे, तो फिर उनसे भी मिलाती हूँ बहुत जल्दी। बाबू नहीं आई? सुनने में आया था कुछ ऐसा, क्या बदतमीजी है ये, चल पैर छू। पैर का जबरदस्ती छूना है? छू लेना, पिछली बार तो छुए थे। मांग के नहीं मैं करता। अच्छा चल रहने दे। ज्यादा स्टोरी है तेरे पास। क्या
माँ ओके और ये मेरा भाई आ चुका है। हाँ ढमनो, मेरे को लगा यार वो भी आ रहे, क्या बोलते नानी जी। और वो गौर से देखो उस शख्स को कैसे दौड़ रहा है जानबूझ के, ताकि मैं इसके और ईशान के मिलने का मोमेंट कैप्चर ना कर सकूं। ओ मामा। हाँ जी बेटा जाओ, जा 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 चीजी। ओ मामा ओह पकड़ इसको, 2 मिनट अमन जा जा, चल मैं बड़ी आ रही, मैं भी आ रही हूँ। इधर आ तू, आ जा। मामू को नमस्ते करी करी। वाह नमस्ते जी। हाय वे मेरी दर्शन, चप्पल उतारने पड़ेंगे पहले। मत कर शानी। ईशान, ईशान बेटा रोज याद कर रहा था ना अम्बू को, आ गया अम्बू। बस जल्दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, एंड इसमें मैंने जो आपको बताया हमारे डेली रूटीन पहाड़ी लाइफस्टाइल किस तरीके का होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके का कौन सी चीज़ पे कैसा रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। मे बी कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी होंगी, बट यार देखो जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है, जो चीज़ जैसी है मैं तो उसको वैसे ही प्रेजेंट करने में विश्वास रखती हूँ। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, तो वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर देते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे, मे बी कल या डे आफ्टर टुमारो, परसों नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए, यहाँ रहिए चाहे जहाँ भी रहिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।